हर्ष लंदन में अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। वह बहुत समय पहले ही अपने देश भारत से लंदन चला गया था क्योंकि उसको लंदन से एक अच्छी जॉब का ऑफर आया था। तब से उसके माँ बाप गाँव में अकेले ही रह रहे थे, लेकिन अब हर्ष के माँ बाप की उम्र हो गई थी, इसलिए अब हर्ष को अपने माँ बाप की फिक्र रहने लगी थी। इसलिए वह सोचता है कि अब उसे अपने माँ बाप को शहर में अपने पास बुला लेना चाहिए। सुनो सुधा, माँ और बाबूजी अब हमारे साथ रहने के लिए आ रहे हैं, इसलिए उनके कमरे की अच्छे से साफ सफाई कर देना ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। अरे पर तुम्हारे माँ बाप तो गांव में रहती है ना, वो यहाँ क्या करने आ रही है हर्ष? सुधा, बचपन से अभी तक उन्होंने मेरी हर जिद पूरी करी है, मेरा इतना ध्यान रखा है, अब मेरी फर्ज बनता है कि मैं भी उनका ध्यान रखूं। अब उनकी उम्र भी हो गई है और मेरे सिवा उनका कोई भी नहीं है। अगर किसी दिन कोई इमरजेंसी हुई तो मैं वहाँ पर नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मैं उनका ध्यान रखने के लिए अपने पास बुला रहा हूँ। पर उसके लिए तो तुम्हें यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी, हम उन दोनों के लिए एक नौकर रख लेते थे ना। मैंने तुम्हें जितना कहा है वही करो, अब मैं अपने बाबूजी और माँ को लेने के लिए जा रहा हूँ, उनकी फ्लाइट लैंड होने वाली है। सुधा का इस बात से मुंह बना हुआ था क्योंकि उसके सास ससुर देहाती गांव के रहने वाले थे, उनका रहन सहन देहाती था और वह हमेशा के लिए उनके साथ रहेंगे, क्या वह ठीक से रह भी पाएंगे? बस यही सोचकर उसकी टेंशन बढ़ रही थी। हर्ष एयरपोर्ट से अपने माँ बाप को लेकर घर आ जाता है। माँ बाबूजी, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं बेटा, आने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। शाम को अशोक को भूख लगने लगती है, तभी कमला अपने पति के लिए कुछ बनाने के लिए रसोई में जाती है, लेकिन वह बेचारी इलेक्ट्रॉनिक गैस चूल्हा को स्टार्ट नहीं कर पाती। तभी वहाँ उसकी बहू आती है। क्या हुआ माँ जी, समझ नहीं आ रहा क्या, इस चूल्हे को कैसे चलाती है? हाँ बहू, हमारे गांव में तो माचिस चलाकर गैस शुरू हो जाती थी, पर इसमें तो पता नहीं कैसे शुरू करते हैं। माँ जी, है आपके बस की बात नहीं है, यह इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा है, इसमें माचिस की जरूरत नहीं पड़ती। खैर यह आप नहीं समझोगे, आप गाँव की देहाती हो ना। यह सुनकर भी कमला अपनी बहू से कुछ भी नहीं कहती। थोड़ी देर बाद ही सुधा सब्जी लेने के लिए जाने लगती है, तभी अशोक अपनी बहू से कहता है, अरे अरे बहू, लाओ सब्जियां तो मैं ही ले आऊंगा, तुम यहीं पर आराम करो। अशोक पैसा और थैला लेकर बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही वह खाली हाथ वापिस आ जाता है। क्या हुआ बाबूजी, सब्जी वाला नहीं मिला? हाँ बहू, मैंने तो बहुत ढूंढा पर यहाँ एक भी सब्जी वाला नहीं मिला। मिलेगा भी नहीं क्योंकि यहाँ सब्जी सड़क पर नहीं मिलती, यहाँ सब्जी मॉल में मिलती है। अब ऐसे ही सुधा अपने सास ससुर को नीचा दिखाने में लगी रहती है, इस वजह से दोनों को बहुत बुरा लगने लगता है और वे अपने बेटे से कहते हैं, बेटा हम कल ही वापस चले जाएंगे, हम यहाँ लंदन का तौर तरीका नहीं सीख पाएंगे, हमारा यहाँ मन भी नहीं लग रहा है। हर्ष सब समझ जाता है कि यह सब उसकी पत्नी की कही बातें उनके माँ बाप को चुभने लगी हैं। अगले दिन हर्ष भी अपनी पत्नी और माँ बाबूजी को लेकर गाँव में आ जाता है और वहीं उनके साथ रहने लगता है। और वह अपनी पत्नी से कहता है, सुधा यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम नहीं चाहती कि माँ बाबूजी दोबारा हमारे साथ रहें तो तुम यहाँ रहकर खेत का काम और घर का काम और गाय को चारा खिलाना खुद करना पड़ेगा। अगर तुमने एक हफ्ता भी यह कर दिखाया ना तो हम वापस लंदन चले जाएंगे और माँ बाबूजी यहीं पर ही रहेंगे, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम्हें माँ बाबूजी से अपने किए के लिए माफी मांगनी होगी, क्योंकि सभी को अलग अलग जगह में सेटल होने में समय लगता है, लेकिन तुमने उनका आत्मविश्वास तोड़ दिया है। सुधा शर्त के मुताबिक सारे काम करती है, दो दिन में ही उसकी अकल ठिकाने आ जाती है और वह समझ जाती है कि उसने अपने सास ससुर के साथ बहुत गलत किया था, उन्हें नीचा दिखाया। वह जाकर अपने सास ससुर से माफी मांगती है और हर्ष सभी को अपने साथ लंदन ले जाता है और वहाँ सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड कॉमेंट, सब्सक्राइब। लंदनपुर में पीलू चिड़िया अपनी माँ बबली और अपने पिता टिल्लू के साथ रहा करती थी। टिल्लू समोसे का ठेला लगाता था, समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो, स्वादिष्ट और ताजे समोसे ले लो, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी आती है। टिल्लू भैया, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, मुझे 4 समोसे दे दो। एक और ग्राहक उसकी दुकान पर आता है। हाँ भैया, मुझको 10 समोसे पैक करके देना। इस तरह से टिल्लू की आवाज़ सुनते ही जंगल के पक्षी उसके समोसे खाने के लिए दौड़ पड़ते थे और कुछ ही घंटों में उसके पूरे समोसे बिक जाते थे। दोपहर में पीलू चिड़िया अपने पिता के लिए भोजन लेकर आती है। पिताजी आप लंच कर लीजिए, तब तक मैं समोसे बनाती हूँ। ठीक है बेटा, तू समझदारी से समोसे बनाना, तेल बहुत गर्म है। और फिर पीलू चिड़िया समोसे बनाने लगती है और टिल्लू भोजन करने लगता है। अच्छा पीलू, मैंने लंच कर लिया है, चल अब तू घर जा। लेकिन पिताजी आपने तो मुझे इनाम दिया ही नहीं। अरे हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया था,
ये ले तेरा इनाम। और टिल्लू पीलू को कुछ पैसे देता है। पीलू खुशी खुशी अपने घर वापस आती है। पीलू की माँ बबली उसका खाने पर इंतजार कर रही थी। आजा पीलू खाना खा ले। इस तरह वे लोग हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन पीलू अपने पिता के लिए भोजन लेके जा रही होती है, तभी उसे सुंदरी मिलती है। अरे पीलू, तेरी माँ कहाँ है? आज तेरे पिताजी जब समोसे तल रहे थे तो गलती से उनके शरीर पर गरम गरम तेल डल गया। कुछ पक्षियों की मदद से वे अब अस्पताल में भर्ती है। तुम दोनों जल्दी से अस्पताल पहुँचो। फिर पीलू अपनी माँ के साथ अस्पताल पहुँचती है। डॉक्टर साहब, ये लो मेरा गुल्लक और इसमें से जितने पैसे हैं आप ले लो और मेरे पिताजी को जल्दी से ठीक कर दो। घर के पूरे पैसे टिल्लू के इलाज में खत्म हो जाते हैं। फिर दो दिनों बाद टिल्लू को होश आता है। बबली अपने पति से पूछती है, ये सब कैसे हो गया जी? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ था। आप ध्यान देकर काम नहीं कर रहे थे क्या? पता नहीं बबली, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? इतने सालों में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है जी, जो हुआ सो हुआ, कम से कम आप बच तो गए। चलिए, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। लेकिन मैं आराम कैसे करूं बबली? घर का खर्च भी तो चलाना है। मेरे इलाज में कितने पैसे लगे होंगे और मेरी दुकान भी इतने दिनों से बंद थी। पिताजी, मैं अब से समोसे की दुकान संभालूंगी। मुझे समोसे बनाने आते हैं। आप बस आराम कीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। पीलू की बात सुनकर, हाँ पीलू, मैं भी तेरी समोसा बनाने में मदद किया करूंगी। और अगले दिन से पीलू और उसकी माँ बबली समोसा बेचने लगते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक पक्षी उनके पास आता है। वो पक्षी उनसे कहता है, अरे मैडम जी, क्या ये टिल्लू जी की समोसे की दुकान है? जी, ये टिल्लू जी की ही समोसे की दुकान है। आप कौन हैं? जी, मैं कड़कनाथ जी के यहाँ से आया हूँ। कल कड़कनाथ जी की बेटी का जन्मदिन है। उन्होंने 200 समोसों का ऑर्डर दिया है और कहा है कि सिर्फ टिल्लू जी के समोसे की दुकान के यहाँ ही मैं ऑर्डर करूँ। आप चिंता मत कीजिए, आजकल मेरे पिताजी की तबीयत खराब रहती है, इसलिए मैं और मेरी माँ समोसे बनाते हैं। आप मुझे सेठ जी का पता दे दीजिए, मैं समोसे भिजवा दूंगी। वो पक्षी कड़क सेठ का पता दे देता है और साथ में 20,000 रुपए एडवांस भी दे देता है। पैसे देखकर दोनों माँ बेटी खुश हो जाती हैं और उसके बाद दोनों माँ बेटी समोसे बनाने में जुट जाती हैं। और फिर बहुत कड़ी मेहनत के बाद दोनों 200 समोसे बनाने में कामयाब होती हैं। और फिर पीलू उन समोसों को सेठ के पते पर ले जाकर पहुंचा देती है। कड़क सेठ बचे हुए समोसों के पैसे दे देता है और फिर पीलू खुशी खुशी अपने घर आती है। और फिर पीलू अपने पिताजी से कहती है, ये लीजिए पिताजी, 10,000 रुपए, ये मैंने कड़कनाथ जी के ऑर्डर से कमाए हैं। पैसे देखकर टिल्लू कहता है, पीलू, ये तेरी ही मेहनत का नतीजा है, नहीं तो मेरी हालत तो ऐसी है कि हम लोग बर्बाद ही हो गए होते। कुछ दिनों बाद टिल्लू पूरी तरह से ठीक हो जाता है और फिर से समोसे बेचने लगता है। अब समोसे बनाने में पीलू चिड़िया भी उसका हाथ बटाती थी। इस तरह से पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। सुंदर वन के जंगल में पीलू चिड़िया एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहा करती थी। उसके पास वाले पेड़ पर कड़कनाथ कौआ अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसका बेटा कालू कौआ बहुत ही आलसी था। कुछ दिन पहले पीलू चिड़िया ने एक अंडा दी थी, जिससे अब एक छोटी सी बच्ची उसमें से निकलती है। पीलू कहती है, आज मेरा माँ बनने का सपना पूरा हो गया। कितनी प्यारी बच्ची हुई है मुझे। मैं इसे दुनिया का हर सुख दूंगी और कोई भी तकलीफ होने नहीं दूंगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पीलू चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी, तभी कालू कौआ उसके पास आता है। पीलू से बोलती है, अरे कालू भैया, मैं अभी आपके पास ही आने वाली थी। क्यों पीलू बहन, क्या बात है? कालू भैया, मैं भोजन की तलाश में जा रही थी, आप थोड़ी देर मेरी बच्ची का ख्याल रखिएगा। मैं अभी थोड़ी देर में ही आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है बहन, तुम जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रख लूंगा। लेकिन आते समय मेरे लिए भी भोजन लेकर आना।
आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका भी भोजन लेती आऊंगी। इतना कहकर पीलू वहां से चली जाती है। कालू उस बच्ची की देखभाल करने लगता है। थोड़ी देर बाद पीलू भोजन लेके घर आती है। घर पहुंचकर पीलू कालू से कहती है, कालू भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बच्ची का ख्याल रखा। ये लीजिए, मैं आपके लिए भी भोजन लेकर आई हूँ। ठीक है पीलू बहन, अब तुम अपनी बच्ची का ख्याल रखो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। इस तरह पीलू चिड़िया रोज रोज भोजन लेकर आती और कालू बैठा बैठा ही खाता रहता है। ऐसा करते करते बहुत महीने गुजर जाते हैं और बारिश का मौसम आ जाता है। पीलू चिड़िया अपनी बच्ची को देखते हुए कहती है, मैं इस बारिश से अपनी बच्ची को कैसे बचाऊं? मेरी बेटी इस बारिश में भीग रही है, मैं कालू के पास जाकर मदद मांगती हूँ, शायद कालू मेरी कोई मदद कर सके। ऐसा सोचकर पीलू कालू के पास जाती है। पीलू दुखी होकर कालू से कहती है, भैया इस बारिश में मेरा घोंसला पूरी तरह से भीग गया है, क्या आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपने घोंसले में रहने दे सकते हो? मैं अपनी बेटी को साथ लाई हूँ। कालू कहता है, देखो पीलू बहन, मेरे घोंसले में इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम दोनों को इसमें साथ रख सकूं, तुम कोई दूसरी जगह देख लो। पीलू चिड़िया बहुत दुखी होकर वहां से चली जाती है। बारिश बहुत तेज हो रही थी, तभी पीलू को एक पेड़ में बहुत बड़ा सा सुराख दिखाई देता है। पीलू अपनी बेटी के साथ सुराख में चली जाती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है, लेकिन फिर भी बारिश नहीं रुकती है। फिर पीलू सोचती है, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, मुझे ही कुछ रास्ता निकालना होगा। ऐसा सोचकर पीलू अपने घोंसले के ऊपर एक छतरी बना देती है। ये देखकर कालू सोचता है, अरे ये पीलू चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली, इसने तो अपने घोंसले को छाते से ढक लिया है। मौका देखकर मैं ये छाता चुरा लूंगा और अपने घोंसले में लगा लूंगा। तब कालू कौवा उसके घोंसले में आकर छाते को चुरा लेता है। कालू उस छाते को अपने घोंसले में लगा रहा होता है, तभी वहां पर बाज आ जाता है और उसे धमकाते हुए कहता है, ए कालू, तू पीलू चिड़िया का छाता चुराता है, तेरे को शर्म नहीं आती? अभी जा और वापस से ये छाता उसके घोंसले में लगा, नहीं तो मैं तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगा। बास के डर से कालू कौवा फिर से पीलू चिड़िया के घर के ऊपर छाता लगा देता है। इस तरह से पीलू चिड़िया अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।